सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी बाल भारती में द्वितीय इकाई में पाठ चौथा ऐसे ऐसे यह पाठ पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे ऐसे यह जो पाठ है यह एक संवाद है जिसमें कई लोग या पात्र आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये एक एकांकिका के जैसा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पात्र परिचय कर लेते हैं। इसमें मुख्य पात्र है अरुण, ये जो लड़का दिखाई दे रहे हैं इसका नाम है अरुण। फिर इसकी माताजी, इसकी अरुण की माताजी, अरुण की माताजी है। फिर अरुण के पिताजी है, अभी ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है अरुण के पिताजी। इसके पश्चात अब यहाँ पर एक और पात्र है जो है वैद्य जी। वैद्य, वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर, तो वैद्य जी भी एक पात्र है। फिर अरुण के मास्टर जी, मास्टर जी अर्थात अरुण के विद्यालय के शिक्षक। तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसे पांच पात्र है जिसमें है अरुण, अरुण की माताजी, अरुण के पिताजी, वैद्य जी अर्थात डॉक्टर और मास्टर जी। तो इस पाठ में हम लोग क्या क्या संवाद है इसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो इस पाठ के आधार पर हम लोग एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। माँ उमा, क्या हुआ मेरे लाल? माँ उल्टी जैसा लग रहा है। ना ना ऐसे मत कर, कहीं तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था। माँ उमा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है। ना ना मेरे लाल, कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, वैद्य जी को बुलाया है। माँ पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है, माँ ऐसे ऐसे होता है, माँ ऐसे। कैसे हो अरुण बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? अभी तक तो ठीक था, एकदम बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते, मैं पेट साफ करने की दवा दे देता हूँ। अरे मास्टर जी आप यहाँ? बहन जी, अरुण जैसे लड़कों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। सच? क्या बीमारी है यह? अरुण पाठशाला का गृहकार्य पूरा कर लिया है? डरो मत, सच बताओ। मास्टर जी पूरा नहीं हुआ है। बहन जी, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। तो देखा बच्चों आपने इस वीडियो में कि किस तरह गृह कार्य पूरा न होने पर अरुण पेट दर्द का बहाना बना रहा था। तो आइए अब हम बुक में इस पाठ का वाचन करते हैं। कमरे का एक दृश्य है, चादर ओढ़े अरुण सोया हुआ है। अभी आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक कमरे में अरुण जो है वो सोया हुआ है। तभी उसकी माँ आती है और पुचकार कर बोलती है, ना ना ऐसे मत कर, इसने कहीं उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? माँ को यह लगता है कि बेटा रो रहा है, इसका मतलब इसके पेट में जो गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। तो पिताजी बोलते हैं, अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था, क्योंकि पिताजी के पास तो अभी वो था। तो अरुण जोर जोर से और कराने लगा, और कराने लगा, और करा कर वो क्या बोलता है, माँ ओ माँ उफ उफ। तो वो क्या कर रहा था, बहाने बना रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला कि ये खेलता कूदता फिर रहा था तो वो क्या कर रहा था, बहाने बना रहा था और जोर जोर से करा रहा था। तो माँ बोली, ना ना मेरे लाल, ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, वैद्य जी को बुलाया। तो उनको क्या लगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसलिए उन्होंने किसको बुलाया, वैद्य जी को बुलाया। देखो यह अरुण सोया है और फिर वो रुआसा हो जाता है, रुआसा मतलब रोने के जैसा, बड़े ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। क्या बोल रहा है माँ को वो, कि बड़े ज़ोर से हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे मतलब क्या हो रहा है ये उसको नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ भी परेशान, पिताजी भी परेशान, तो उन्होंने वैद्य जी को बुलाया। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है, मतलब वैद्य जी वहाँ कमरे में
आ जाते हैं। वैद्य जी के आने के बाद वैद्य जी जब उसको चेक करते हैं तो उन्हें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। तो वो सबसे पहले अरुण से पूछते, कैसे हो अरुण बेटा, खेलने से जी भर गया है क्या? क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे तो खेलते कूदते रहते, बिस्तर कब पकड़ लेते, जब बीमार पड़ जाते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, कैसे हो अरुण बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? तो पिताजी बोले, अभी तक तो ठीक था, एकदम से बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी ने बताया वैद्य जी को कि अभी तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से क्या बोला कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। अब ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? तो वैद्य जी ने उसको चेक किया तो बोले, पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते, शायद कुछ गलत खा लिया हो, मैं पेट साफ करने की दवा दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पेट दर्द के तो कोई लक्षण नहीं है, तो उन्होंने पेट साफ करने की दवा दी। तो वैद्य जी जाते हैं और कौन आते हैं, मास्टर जी घर आते हैं। तो मास्टर जी आते हैं और वे अरुण की माँ को बोलते हैं, बहन जी अरुण जैसे लड़कों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। अब देखो, वैद्य जी को वो बीमारी मालूम नहीं थी, लेकिन मास्टर जी को वो बीमारी मालूम थी। तो माँ ने पूछा, सच क्या बीमारी है? तो माँ को ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने पूछा। तो मास्टर जी बोले, तो उन्होंने अरुण से पूछा, अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है? डरो मत, सच बताओ। तो वह अरुण बोला, जी जी पूरा नहीं हुआ है। अरुण मुँह छुपा लेता है, क्यों मुँह छुपाया होगा? क्योंकि उसका पाठशाला का गृह कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने मुँह छुपा लिया। तो मास्टर जी बोले, मास्टर जी ने सबको बताया, हंसकर बताया, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। तो सभी ठहाका मार कर क्या करने लगते, हंसने लगते। तो अक्सर हम लोगों को भी क्या हो जाता है, जब हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता है या गृह कार्य पूरा नहीं होता है, तो हम लोग भी हमारे पेट दर्द का बहाना बनाते हैं, यही करते हैं। तो अभी हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर लिखो में, अरुण कहाँ सोया हुआ था? उत्तर है, अरुण कमरे में सोया हुआ था। दूसरा प्रश्न है, वैद्य जी ने कौन सी दवा दी? उत्तर है, वैद्य जी ने पेट साफ करने की दवा दी। इसके पश्चात अब तीसरा प्रश्न है, ऐसे ऐसे बीमारी किन्हें होती है? उत्तर है, ऐसे ऐसे बीमारी अरुण जैसे लड़कों को यह बीमारी होती है। चौथा प्रश्न है, मास्टर जी ने अरुण से क्या पूछा? उत्तर है, अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब पांचवा प्रश्न है, अरुण के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? उत्तर है, पाठशाला का काम अधूरा रह गया था, इसलिए अरुण के पेट में ऐसे ऐसे होने लगा था। इसके पश्चात अब आपको ये चित्र देखकर जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझना है और नाम बताना है। तो पहला चित्र है फिटकरी घुमाना, मतलब पानी में क्या कर रहा है, वो फिटकरी घुमा रहा है। दूसरा है पानी को छनना, साफ सुथरा कपड़ा रख के छन रहा है। तीसरा चित्र है पानी को उबालना। इसके पश्चात अब अगला चित्र है पानी में औषधि डालना। देखो यहाँ बड़ी सी पानी की टाकी है, उसमें क्या किया जा रहा है, औषधि डाला जा रहा है। इसके पश्चात ये है जल शुद्धिकरण यंत्र, जिसको हम लोग फिल्टर भी कहते हैं। तो यह है शुद्धिकरण मशीन। अब आपको सारे के सारे जल शुद्धिकरण प्रक्रिया को समझना है। अब ये चित्र है पानी को निथारना। निथारना मतलब शांत रख के उसका जो कचरा है उसको जमा होने देना। यहाँ देखो, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रहा है। अब भाई, जल प्रदूषण न हो इसलिए तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, बताओ। अब ये आपको पांच सवाल दिए हैं, या इनमें से आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे यह आपको बताना है। इसमें पहला है, नल के आसपास कचरा नहीं फेंकेंगे। तो आप फेंकोगे क्या? नहीं, तो नहीं फेंकेंगे। नदी में साइकिल स्कूटर धोओगे? नहीं धोएंगे। पीने के पानी में हाथ डुबोगे? नहीं डुबाएंगे। तालाब में कपड़े धोओगे? नहीं धोएंगे। तालाब में प्लास्टिक की थैली बोतल नहीं डालेंगे? तो नहीं डालेंगे। ये सब आपको लिखना है। धन्यवाद।